प्रणाम चाचा। आहा, प्रणाम प्रणाम। हम आपका आशीर्वाद लेने आए हैं। अरे ले लो आशीर्वाद, उसमें क्या है? आशीर्वाद कोई पैसा देने के बराबर थोड़ी ना है, जो हजार बार सोचना पड़ेगा। ले लो ले लो आशीर्वाद। बस बस बस, खुश रहो खुश रहो। एक बात बताओ, तुम अपने स्कूल में टॉप अप किए हो? नहीं चाचा, हम तो आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आए हैं। बेटी का हाथ? आई हो दादा। ए बबुआ, तुम कौन सी बिटिया का हाथ मांगने आए हो? हा? मैं बताती हूँ मम्मा, ये मेरा हाथ मांगने आया है। आखिर मुझे मेरे सपनों का राजकुमार मिल ही गया। तुम पगला गई हो क्या? तुम्हारा इतना लंबा हाथ लेकर ये नन्ना मुन्ना क्या करेगा? अपने घर का पिलर बनाएगा क्या? वाओ जारी, मेरे हाथों से किसी के घर का पिलर भी बन सकता है। ले लो मेरा हाथ ले लो। अरे नहीं नहीं चाचा, बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आपका नहीं छोटी का हाथ मांगने आया हूँ। छोटी का हाथ? क्या बोल रहे हो? अयो दत्ता, छोटा मुंह बड़ी बात। हाँ पापा, ये स्वीटी दीदी का हाथ नहीं, मेरा हाथ मांगने आया है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं। क्या? ए चुटके, तुमको इतनी का जल्दी पड़ी है शादी करने की? छोटा मुंह बड़ी बात। मम्मा पापा हम लोग को शहर ले जाना नहीं चाहते हैं। और छोटू के मम्मी पापा बहुत जल्द ही शहर में शिफ्ट होने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि पूरे गांव में एक यही घर ठीक रहेगा, यहाँ शादी करके फिर मैं शहर में अपने ससुराल चली जाऊंगी। इसका मतलब मैं खामखाई उछल रही थी। हाँ, बस एक बार पापा मम्मी हम दोनों की शादी की परमिशन दे दे तो फिर मैं भी उछलूंगी। नहीं बेटा, तुम्हारे उछलने की कोई जरूरत नहीं है अभी, क्योंकि तुम्हारी जो उम्र है ना, ये शादी की बिल्कुल नहीं है बेटा। अरे ये तो पढ़ाई करने की, ये तो खेलने कूदने की उम्र है बेटा। हाँ पापा, आप हमारी शादी तो रोक सकते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के कई गांव में आज भी बाल विवाह हो रहा है, आप उन बच्चों की शादी को कैसे रोकेंगे? वैसे देखा जाए तो बाल विवाह तो बिल्कुल ही गलत है और कानूनन जुर्म भी है। और हम इस गांव के मुखिया होने के नाते अपने घर में या इस गांव में ऐसा गलत काम कभी नहीं होने देंगे। नमस्ते जीजा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते। अरे भाई हम तो ठीक हैं। अब जब तुम आ गई हो तो कुछ ज्यादा ही ठीक हो जाएंगे। तुम अकेले आई हो? नहीं, हमारा बेटा बबलू भी साथ आया है। वो उसके पास सामान था ना, तो पीछे रह गया होगा। अरे बेटा तुम हमारा मुंह क्या देख रहे हो? जाओ अपने भाई की मदद करो, जाओ जाओ। क्या चमेली? अरे हाँ हाँ, अरे वो तो होगा ही।
अरे चमेली तुम्हारे बारे में ही बोल रही है। अच्छा हाँ? क्या बोल रही है दीदी? अरे चमेली कह रही है कि भाई हमारी बहन का वैसे ख्याल रखना जैसे हमारा रखते थे। जीजा जी आप भी बड़े वो हैं। अरे क्या है, अरे हम तो तुम्हारे जीजा जी हैं ना। लीजिए बबलू भी आ गया। खुश रहो बेटा बबलू, खुश रहो हैं। और अरे बेटा इधर खड़े हो भाई हैं, इधर तुम्हारी मौसी खड़ी हुई है, चलो प्रणाम करो इनको। मौसी तुमको आशीर्वाद दे रही है। जीजा जी हाँ, वो ना हम चाह रहे हैं कि आप हमारे बबलू की शादी करवा दो और ना शादी का पूरा जिम्मा आप उठा लो। अरे परेशान मत हो, इसके लिए हमारे मुखिया जी हैं, वही करवाएंगे तुम्हारे बबलू की शादी। और खाना वाना हो गया? हाँ। वैसे एक बात बताएं, तुम्हारी जो लाइफ है ना बहुत ही पीसफुल है, एकदम मजेदार। दिन भर में 3 बार पगुरा लिया, दो बार दूध दे दिया और 2-3 बार पॉटी कर ली, मतलब गोबर कर लिया, सब एकदम फर्स्ट क्लास सेट है, टाइम टू टाइम है ना। और ना ही तुमको कोई खर्चे का टेंशन है, ना ही महंगाई की प्रॉब्लम है और ना ही जीएसटी का कोई लफड़ा है ना। सही है तुम्हारा, एकदम बढ़िया है। अरे अरे का तुमको हमारी गोद में काहे गिर गई? अगर गिरना ही था तो धरती माँ की गोद में गिरती। उठो भैंस देख लेगी। आए हो दत्ता, देख लेगी नहीं देख लिए। और आप भी अम्मा जी की तरह हमको भैंस बुला रहे हैं, और ये क्या हो रहा है? हम तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हम क्या कुछ... मेला देखने जाना है। चाचा आए हो दत्ता, अरे ये आपको चाचा काहे बुला रही है और आपकी गोद में ऐसे काहे टपकी हुई है? अब आ जाओ वो का ऐसा हाँ क्या है ना कि ये हाँ महीने में 2-3 बार इसको बच्चा बनने का अटैक आ जाता है। यही है बाद में, लेकिन धीरे धीरे ठीक हो जाती है। अरे चलो उठो ठीक हो जाओ। अरे दादा बेचारी, ए जबरिया ए बच्चा, जबरिया, अरे तुम मेला देखने जाओगी है? चलो अपनी चाची के साथ चलो। हाँ हम तुमको मेला घुमा के लाते हैं। हाँ चलो चलो अंदर तैयार होकर आते हैं, चलो। अरे चलो जाओ जाओ मेला देखने जाओ चाची के साथ। साले साहब, ओ साले साहब, एक मुसीबत अंदर गई नहीं कि दूसरी आ गई। ए साले साहब, साले साहब, अरे आप इस घर में साले साहब किसको बुला रहे हैं? ए आपको है? हमको? अरे हमारी चमेली ने हमसे कहा था कि वो आपको भाई मानती है। ये कब से हुआ? अरे अभी अभी। और बीबी का भाई साला हुआ, ऐसा चाणक्य की मौसी के बेटे ने कहा था। अरे देखिए चाणक्य की मौसी के बेटे ने चाहे कुछ भी कहा हो, आप हमको ये बताइए कि आप हमसे क्या चाहते हैं? अरे जो चमेली की ये बहन है ना, मतलब आपकी दूसरी बहन शर्मिली जी। प्रणाम भैया। खुश रहो खुश रहो। इसका क्या करना है? एक मिनट, क्या है? अरे हाँ हाँ, अरे जो हमारा साला है ना, अरे इतना तो करेगा ही ना, तुम चिंता मत करो चमेली, हम बात कर लेते हैं ना, शांत रहो। हाँ अरे मुखिया जी हाँ। मतलब साले साहब हाँ। भाई आपकी बहन चमेली कह रही है कि इनके बेटे की शादी ना आपके घर से होगी और शादी का सारा खर्च आपको उठाना पड़ेगा। हे भगवान, हम गांव के मुखिया क्या हो गए, गांव का बैंक हो गए, अरे यहाँ अपने घर का खर्चा नहीं उठा पा रहे हैं, इनके घरों की शादियां कैसे करवाएंगे? एक बात तो बताइए, वो जो लड़का है वो शादी के लायक है? शादी के लायक? अरे उसकी उम्र बाप बनने लायक है। कल लड़की वाले आ रहे हैं
और लड़की के मुंह दिखाएगी, सारी रस्म आपके घर पे होगी। हाँ वो तो है हमारे घर पे। हाँ अरे और शर्मिली चलो चलते हैं। है? है? अरे चमेली तुम यहाँ बैठ के पेपर पढ़ने लगी है? चलो देखा कैसे चिपकाया। चलो अरे नाश्ते पानी का इंतजाम भी हमको करना पड़ेगा। और नहीं तो क्या है? अरे सब कुछ उसमें सम्मिलित है भाई। ये गांव में आने का जो हमारा डिसीजन था वो कहीं गलत साबित तो नहीं हो रहा है? क्या है? परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बाकी सब तो आ गए लेकिन लड़का लड़की अभी तक नहीं आए। वो क्या है ना, लड़का रास्ते में टॉफी खाने रुक गया, आता ही होगा। टॉफी? अयो दादा, और आपकी बिटिया भी तो दिखाई नहीं दे रही, वो कहाँ रह गई? अरे उसको भी रास्ते में आइसक्रीम वाला दिख गया तो वहीं रुक गई। लो लड़का लड़पुत्ते का नाती टॉफी खाने के लिए रुक गवा और लड़की आइसक्रीम खाने के लिए। हाँ फुर्सत निकाल के। वाह क्या राम मिलाए जोड़ी, का छोरा का छोरी। अरे आओ 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 आओ। ये बच्चे किसके हैं? अरे यही तो वो हैं, लड़का लड़की जिनकी शादी करवानी है। आयो दादा, ये लड़का लड़की है। काहे इनके लड़का लड़की होने में आपको कोई शक है क्या? नहीं, लड़का लड़की उनके होने में हमको कोई शक नहीं है, लेकिन बेशक हम इनकी शादी तो नहीं होने देंगे। किसी को कोई शक? हाँ अरे काहे नहीं होने देंगे हैं? अरे हमरे जमाने में तो बहुत होती थी और अब भी होवत है फुर्सत निकाल के। हाँ माँ पहले की बात और थी, अभी तो ये बच्चों की शादी कराना तो गलत बात है, बल्कि कानूनन जुर्म है माँ। अरे कैसी बातें कर रहे हो साले साहब, ये तो सदियों से होता आ रहा है। हम दोनों का भी तो बाल विवाह हुआ था कुछ मिली। हाँ देखो बोल रही। हाँ हाँ हमारा भी। इसीलिए तो आपकी बुद्धि का विकास अभी तक नहीं हुआ, और आज भी देखिए क्या कर रहे हैं आप लोग, छोटे छोटे बच्चों की शादी करवाना चाह रहे हैं हैं? लेकिन हम किसी भी कीमत पर इन बच्चों की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे, हम बता देते हैं। क्या मुखिया जी, हमारी चमेली आपको भाई बनाने से इनकार कर रही है। हमको सूट कर रहा है, इसीलिए हम आपका जीजा होने से इनकार कर रहे हैं। वो भी हमको सूट कर रहा है। अरे चलिए ना, शादी तो जरूर होगी और उसका सारा खर्च आप लोगों को उठाना पड़ेगा, समझे ना? ये भी हमको सूट कर रहा है। हम कहाँ हमारी बेइज्जती खराब करके रख दी। चलो ना भाई, चलो चलो, चलो। चमेली चलो चलो। आई हो दादा, गजब के बुड़बक लोग हैं। अरे बच्चों की शादी कराने चले हैं, बताइए। कोई चाहे जो भी करवाना चाहे, लेकिन हम ये होने नहीं देंगे। चाहे कुछ भी हो जाए पर हमें ये शादी हर हाल में रोकनी पड़ेगी। वो क्या कर रही से दीदी? चुल्लू भर पानी में डूबने जा रही हूँ। लेकिन क्यों? क्योंकि उन दोनों बच्चों की शादी तो हो रही है लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है। बंद करो अपनी अनॉटिंग। बच्चों की शादी रुकवाने के लिए हमने वरुण को बोला है कि वो बबलू और चुटकी को लेकर आ जाए, वो आते ही होंगे। तुम यहाँ पता नहीं ये क्या है। लीजिए दीदी, वो लोग आ ही गए। आ गए। अरे ये लो अपने दोनों टोपे। इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। ये बताओ तुम दोनों को शादी क्यों करनी है? वो हम नहीं बताने वाले। अच्छा अगर तुम दोनों मुझे बताओगे ना तो मैं तुम दोनों को चॉकलेट और आइसक्रीम दूंगी। दो दो डबल डबल।
माँ ने कहा है कि शादी के बाद वो मुझे बैटरी वाली कार दिलाएंगी और मुझे चाबी वाली गुड़िया मिलेगी। बापूजी ने कहा है कि शादी के बाद मुझे स्कूल भी नहीं जाना पड़ेगा। माँ बाप ने अच्छी पट्टी पढ़ाई है बच्चों को। देखो हम तुम्हें दो बैटरी वाली कार और दो चाबी वाली गुड़िया देंगे, लेकिन इसके लिए तुम दोनों को हमारा एक काम करना पड़ेगा। हाँ हम आपका काम करेंगे। क्या है काम? अरे दामाद जी आइए। बोतल में क्या है? जादू है। जादू? कैसा जादू? बाहर से देखने पे ये पानी काला नजर आ रहा है ना? हाँ? अगर आप इसके अंदर झांकेंगे तो ये पानी सफेद नजर आएगा। अच्छा ये कैसे हो सकता है? लाइए जरा हम भी तो देखें कि काला पानी सफेद कैसे होता है झांकने पर है। और अंदर देखिए। और अरे और झांकिए। अरे दामाद जी ये क्या कर दिया? दामाद जी ये क्या किया? मुंह काला कर दिया ससुरा है? अरे ससुर तो हम हैं। जीजा के होते हुए साली पानी भरे ये अच्छा नहीं लगता है? लो हम ही भर देते हैं। लीजिए भरिए ना। आँखों की गुस्ताखियाँ माफ हो, एक टुक तुम्हें देखती है जो बात कहना चाहे जुबान तुमसे ये वो कहती है। अरे बहू रानी हम आपके लिए गिफ्ट लाए हैं। गिफ्ट? उपहार। अच्छा उपहार लाई हो, दिखाओ तो। शर्मिली कुएं में गिर गई। कैसा बेटा है तुम्हारा, हमारा मुंह काला कर दिया और तुम्हारी बेटी हमें कुएं में धकेला वो? अरे यही संस्कार दिए हैं अपने बेटे को? ये तो बड़े अच्छे संस्कार दिए हैं। सास को शादी से पहले कुएं में धकेल दो, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। देखो हमने बहुत देखी है तुम्हारी जैसी। तुम लोगों के इस चक्कर में हमारी चमेली को हार्ट अटैक हो जाएगा। मामा जी अब ये शादी नहीं होगी, हम ये रिश्ता तोड़ते हैं। तो हमें भी नहीं रखनी शादी, हम भी तोड़ रहे हैं। काय ऐसा रिश्ता तोड़ रहे हैं? क्या हुआ? चमेली यहाँ खड़ी है, उनको तो धक्का मार रहे हो। कहाँ? चलो माफी मांगो मामी सबनी। हाँ माफ कर दो मामी, हम तो ये कह रहे थे भाई कि ऐसे रिश्ता काय तोड़ रहे हो सर से, ये तो मुखिया जी की बेटियों की चाल थी फर से। हाँ, अरे उन्होंने बच्चों को ज्यादा खिलौने देने का लालच दिया झट से और बच्चों ने आपको लड़वा दिया फट से। हाँ। मुखिया जी तुम्हारी खबर तो अब हम लेंगे। अरे पहले जाके अपना मुंह साफ करो, ऐसे देख के ना मुखिया जी डर जाएंगे। शर्मिली चलो साड़ी बदल लो चल के। हाँ जाते हैं। हाँ अब जाओ फटाफट तैयार हो जाओ चमक के, उसके बाद मुखिया जी से लड़ेंगे धमक के। हाँ, हाँ, चलो चल आओ। मुखिया जी आप इस हद तक गिर जाएंगे कि हमारे बच्चों की शादी तोड़वाने के लिए आपने अपनी बेटियों से ऐसा काम करवाया। देखिए हमारी बेटियों ने जो किया उसका तरीका बेशक गलत हो सकता है लेकिन उनका इरादा बिल्कुल नेक था। मुखिया जी हम भी देखते हैं कि आप हमारे बच्चों की शादी कैसे रुकवाते हैं। अच्छा अगर बात ऐसी है तो आप भी कान खोल के सुन लीजिए।
कि हम ये बाल विवाह होने नहीं देंगे, और अगर उसके बावजूद भी आप नहीं माने तो पुलिस को बुलाकर हम ये शादी रुकवा देंगे।